हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम मेडोक्सर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हम मेडॉक्स टेस्ट का इंट्रोडक्शन टेस्ट को करने का प्रोसीजर एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करने का मेथड क्या है वो पढ़ेंगे एंड एट लास्ट द एडवाटेजेस एंड ऑफ द टेस्ट सो so अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट टू प्रेस द बेलाइकन मेडोक्स्रॉड Medox rod is a handheld instrument composed of red parallel plano-convex cylinder lens about 3 mm in diameter mounted in a trial frame lens or a refractor head. तो मेडोक्स रॉड एक हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि रेड प्लेनो कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस सीरीज में अरेंज होते हैं और यह पूरा अरेंजमेंट एक ट्रायल फ्रेम लेंस में फिक्स्ड होता है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं सीरीज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस हैं जो रिफ्रैक्टेड हेड या ट्रायल फ्रेम लेंस में अरेंज हैं फर्स्ट फिगर में ये सिलेंड्रिकल सीरीज हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड है और सेकंड फिगर में हमने मेडोक्स रॉड को ऐसे रोटेट कर दिया है जिससे कि ये सिलेंड्रिकल सीरीज वर्टिकली अलाइन्ड हो गई है मेडोक्स रॉड ग्रीन और वाइट कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं लेकिन बेसिकली हम रेड मेडोक्स रॉड का यूज करते हैं द मेडोक्सर कम्पोज ऑफ रेड पैरल कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस रिफ्रैक्ट लाइट सो दैट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एज सीन एज अ लाइन और स्ट्रीक ऑफ लाइट मेडोक्सर में ऐसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमें स्पॉट लाइट एक लाइन लाइट या स्ट्रीक ऑफ लाइट के फॉर्म में दिखती है अगर मेडोक्सर का ऑरियंटेशन हॉरेजॉन्टल है तो स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें वर्टिकल दिखेगी और अगर मेडोक्स रॉड का ऑरिएंटेशन वर्टिकल है तो स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें हॉरेजोंटल दिखेगी सो मेडोक्स रॉड में स्पॉट लाइट हमें लाइन के फॉर्म में दिखती है और इस लाइन ऑफ लाइट का ऑरिएंटेशन हमेशा मेडोक्स रॉड के ऑरिएंटेशन के परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल मेडोक्स रॉड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोपिक प्रोजेक्शन या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ द डेविएशन इज ब्रॉट अबाउट बाय प्रेजेंटिंग अ रेड लाइन इमेज टू वन आई एंड अ वाइट लाइट टू द अदर तो हम डिसोसिएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेडोक्स रॉड फ्यूजन को ब्रेक कर देता है जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूजन के प्रेजेंस में हमें सिंगल इमेज दिखती है लेकिन मेडोक्स रॉड फ्यूजन को ही ब्रेक कर देता है डिसोसिएटेड इमेज दिखाता है फ्यूजन ब्रेक होने से क्या होगा कि एक आंख से तो हमें स्पॉटलाइट दिखेगी लेकिन दूसरी आंख से जिस पर हमने मेडोक्स रॉड लगाया है हमें स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखेगी और इसी प्रिंसिपल की हेल्प से हम डेविएशन का पता लगा लेते हैं यूजेज मेडोक्सॉट टेस्ट हम डिस्टेंस और नियर दोनों में करते हैं और लेटेंट मैनिफेस्ट, हॉरिजोंटल वर्टिकल डेविएशन को मेजर कर सकते हैं इक्विपमेंट्स अब टेस्ट के लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए फर्स्ट रॉड सेकेंड लाइट सोर्स नियर में टेस्ट कर रहे हैं तो थर्टी थ्री सेंटीमीटर पर और टेस्ट फार पर करना है तो सिक्स मीटर पर लाइट सोर्स रखेंगे थर्ड बेस इन बेस आउट अप बेस डाउन प्रेस जिससे कि एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर सके और ट्रायल फ्रेम्स। मेथड ऑफ एसेसमेंट नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि टेस्ट करने का मेथड क्या है तो डिस्टेंस एज वेल एज नियर दोनों का सेम प्रोसीजर ही होगा मेथड्स फॉर मेजरिंग विथ रॉड टेस्ट करते समय रूम की लाइट्स को कम कर देना है जिससे कि लाइट सोर्स अच्छे से दिख सके सेकेंड नियर से टेस्ट करते वक्त हमें लाइट सोर्स को थर्टी थ्री सेंटीमीटर पर रखना है थर्ड डिस्टेंस पर करते समय हमें लाइट सोर्स को सिक्स मीटर पर रखना है फोर्थ पेशेंट को दोनों आंखें खोल कर टारगेट पर फिक्सेट करने को बोलना है एंड देन मेडोक्सरॉट को फिक्सेटिंग आई पर रखकर हमें टेस्ट करना है अगर आपको पेशेंट में हॉरिजॉन्टल डेविएशन लग रहा है तो मेडोक्स रॉट को हॉरिजॉन्टली रखना है जिससे कि स्ट्रीक ऑफ लाइट वर्टिकल दिखे और अगर पेशेंट में वर्टिकल डेविएशन लग रहा है तो रॉड को वर्टिकली रखना है जिससे कि पेशेंट को स्ट्रीक ऑफ लाइट हॉरेजॉन्टल दिखे टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डेविएशन द रॉड इज प्लेसड इन फ्रंट ऑफ द राइट आई विद द सिलेंडर हॉरेजॉन्टल मेकिंग द रेड लाइन वर्टिकल तो हॉरेजोंटल डेविएशन मेजर करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को स्पॉट लाइट पर को फिक्सेट करने को बोलना है उसके बाद मिडोक्स्रॉट को पेशेंट के राइट right आई पर हॉरेजोंटल पोजीशन में रखना है जिससे कि पेशेंट को रेड लाइन वर्टिकल दिखे अब पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट को स्पॉट लाइट या वाइट लाइट रेड लाइन पर ओवरलैप दिख रही है या उसके लेफ्ट या राइट किधर दिख रही है अगर पेशेंट को रेड लाइन राइट में और वाइट लाइट लेफ्ट में दिख रही है तो ये केस हो जाएगा ईजोट्रोपिया या ईजोफोरिया का जिसे कि अनक्रॉस डिप्लोबिया भी कह सकते हैं अगर पेशेंट को रेड लाइन लेफ्ट में और वाइट लाइट राइट साइड दिख रही है तो ये केस हो जाएगा एक्सोट्रोपिया या एक्सोफोरिया का जिसे कि क्रॉस डिप्लोपिया भी कह सकते हैं इस फिगर से समझिए राइट आई को मेडोक्स्टॉट से कवर करना है हॉरिजॉन्टली। कवर करने पर अगर लाइट और रेड लाइन पेशेंट को सुपर इम्पोज दिखे तो ये केस हो जाएगा ऑर्थोफोरिया ये नॉर्मल कंडीशन है अगर रेड लाइन स्पॉट लाइट के राइट में दिखे तो ईजोडेविएशन और अगर रेड लाइन स्पॉट लाइट के लेफ्ट में दिखे तो एग्जोडेवियशन द पेशेंट इज़ हेल्प फॉर ग्रांटेड टू होल्ड द मेडोक्सर इन फ्रंट ऑफ द राइट विद अ सिलेंडर का वर्टिकल मेकिंग द रेड लाइन हॉरेजॉन्टल वर्टिकल डेविएशन मेजर करने के लिए पेशेंट को स्पॉट लाइट पर फिक्स एड कराने के बाद मेडोक्स्रॉड को पेशेंट की राइट right आई पर वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखेंगे जिससे कि पेशेंट को रेड लाइन हॉरेजॉन्टल दिखे अब पेशेंट से पूछना है कि उसे वाइट लाइट रेड लाइन पर ओवरलैप दिख रही है या उसके ऊपर या नीचे किधर दिख रही है अगर पेशेंट को रेड लाइन स्पॉट लाइट के नीचे दिखे तो ये केस होगा हाइपर डेविएशन का अगर पेशेंट को रेड लाइन स्पॉट लाइट के ऊपर दिखे तो ये हाइपो डेविएशन। और अगर पेशेंट को वाइट लाइट रेड लाइट पर सुपर इम्पोज दिख रही है उसके ऊपर ओवरलैप दिख रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी वर्टिकल डेविएशन प्रेजेंट नहीं है इसे फिगर से ईजीली समझ सकते हैं राइट right आई को मिडॉक् शॉर्ट से कवर करना है वर्टिकल ओरिएंटेशन में कवर करने पर अगर पेशेंट को स्पॉट लाइट और रेड लाइन सुपर अम्पोज दिखे तो ये होगा ऑर्थोफोरिया अगर रेड लाइन स्पॉट लाइट के नीचे दिखे तो हाइपर डेविएशन और अगर रेड लाइन स्पॉट लाइट के ऊपर दिखे तो हाइपो डेविएशन ऐसा भी केस हो सकता है कि मेडॉक्सॉट को हॉरिजॉन्टल रखने पर पेशेंट को रेड लाइन वर्टिकल की जगह टिल्टेड दिखे या तो टिल्टेड नेजली या तो टिल्टेड टेम्पोरली तो इसे बोलेंगे टॉर्जनल डेविएशन दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन इमेज फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मेडॉक्स और टेस्ट करते टाइम एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करने के लिए हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं प्रिज्म की स्ट्रेंथ को तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रिज्म के सेंटर से पास ना होने लगे और जितनी प्रिज्म की स्ट्रेंथ फाइनली हमें मिलती है अमाउंट ऑफ डेविएशन हम उसी से पता लगाते हैं इजोफोरिया या अनफ्रोज डिप्लोपिया के केस में हम बेस इन प्रिज्म का यूज करेंगे और प्रिज्म की स्ट्रेंथ तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि लाइन सुपर इम्पोज न कर जाए सिमिलरली एक्जोफोरिया या क्रॉस डिप्लोपिया के केस में हम बेस आउट प्रिज्म का यूज़ करेंगे हाइपर डेविएशन के केस में बेस डाउन एंड हाइपर डेविएशन के केस में बेस अप प्रिज्म एडवांटेजेस मेडोक्स रॉड सब्जेक्टिव टेस्ट होता है इसको परफॉर्म करना ईजी है सिंपल एंड फास्ट है क्योंकि ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें एक मेडोक्स रॉड और स्पॉट लाइट है तब भी काम चल जाएगा बच्चों पर भी इज़ीली कर सकते हैं और आई मसल बैलेंस टेस्ट के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। सेंसरी अनोमलीस सप्रेशन और एबनॉर्मल रिटर्नल के केस के में और टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते टेस्ट, और टेस्ट रोपियाज़ और फोरियाज के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और इस टेस्ट के थ्रू हम लार्ज डेविएशन को मेजर नहीं कर पाते हैं तो ये हो गई हमारी डिसएडवांटेजेस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें And please don't forget to subscribe to my channel.